हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं आपके सामने एक नए ड्रामा का एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। इस ड्रामा का नाम है द लीजेंड्स। जैसा कि आपको पता है कि मैं हमेशा हिस्टोरिकल और फैंटेसी ड्रामाज का ही एक्सप्लेनेशन करता हूँ, सो आपको इस ड्रामा में भी ये दोनों जेनर्स देखने को मिल जाएंगे। इस ड्रामा का मेन लीड शू का ही है, जिसे आप आर्सेनल, मिलिट्री अकेडमी, एंसिट लव पोएट्री जैसे ड्रामाज में भी देख चुके होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक्सप्लेनेशन को। इस ड्रामा की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक से, जिसमें हमें बताया जाता है कि डीमन किंग ली शिव ने यूनिफाई जियानकू की हेल्प से एक सीक्रेट स्किल की प्रैक्टिस की होती है। पर इस सीक्रेट स्किल की प्रैक्टिस करते टाइम डीमन किंग गलती से अपने बेटे ली चेन लान को भी जख्मी कर देता है। वो इसकी लीवल होती है, इस कारण ली चेन लान की बॉडी में भी इवल पावर ग्रो होने लगती है। डीमन किंग को जब इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे ली चेन को एक माउंटेन में सील कर देता है और अपने वफादार सर्वेंट लूशी माई को माउंटेन को गार्ड करने को कहता है। डीमन किंग ली चेन की बॉडी से एविल पावर को हटाना चाहता था, लेकिन अपने बेटे को सील करने के बाद वो कहीं गायब ही हो जाता है। डीमन किंग के जाने के बाद फेंगमो माउंटेन, जिसमें ली चेन बंद था, कोई भी आउटसाइडर उसमें नहीं जा सकता था। अब फ्लैशबैक खत्म होता है और हम इस ड्रामा की फीमेल लीड को देखते हैं, जो अपनी ट्रेनिंग कर रही होती है। तभी उसे वहाँ एक पिक दिखता है, वो उसे पकड़ने लगती है। तभी उसके ग्रैंडफादर वहाँ आ जाते हैं, जिससे वो पिक डरकर वहाँ से भागने लगता है। वेल, इस ड्रामा की फीमेल लीड का नाम लू जायो यो होता है। वो अपने ग्रैंडफादर के साथ फेंगमो माउंटेन पर रहती है। आगे वो और उसके ग्रैंडफादर उस पिक का पीछा करते हुए उस केव तक पहुँच जाते हैं, जहाँ डीमन किंग का सन यानी ली चेन बंद होता है। लू जायो यो अपने ग्रैंडफादर से पूछती है कि हम कई सालों से इस केव और सील को गार्ड कर रहे हैं, क्या सच में ली चेन अभी भी इस केव में बंद होगा? क्या उसे यहाँ से बाहर जाने का मन नहीं करता है? इस पर ग्रैंडफादर कहते हैं कि जब ली चेन इस केव से बाहर आएगा तो तुम खुद ही उसे पूछ लेना। इन दोनों के वहाँ से जाने के बाद हमें इस केव के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बड़ी बड़ी जंजीरों में डीमन किंग का सन ली चेन बंद होता है। यहाँ हमें ली चेन के हाथ पर एक निशान भी दिखाया जाता है। वेल, इसके बारे में आप आगे के एपिसोड्स में जानेंगे। आगे लू जायो यो अपने ग्रैंडफादर को खाना खाने को कहती है, तभी वहाँ बहुत जोर से अर्थक्वेक आता है। लू जायो इस बारे में अपने ग्रैंडफादर से पूछती है तो ग्रैंडफादर कहते हैं कि कोई डीमन किंग की सील तोड़कर उस केव के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। अब हम इस ड्रामा के एक और कैरेक्टर को देखते हैं जो डीमन किंग की सील को तोड़ रहा होता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। वेल, अभी हमें इसका नाम तो नहीं बताया जाता है, पर इसे गोल्ड डाइटी का टाइटल मिला हुआ है। सो जब तक इसका नाम नहीं बताया जाता है, मैं इसे गोल्ड डाइटी कहूँगा। बाय द वे, कुछ टाइम बाद गोल्ड डाइटी इस ड्रामा का मेन विलेन भी बनने वाला है। गोल्ड डाइटी किसी तरह उस सील को तोड़ देता है और केव के अंदर आता है। सील टूटने के कारण ली चेन की जंजीरें भी टूट जाती है। गोल्ड डाइटी ली चेन को मारने लगता है, तभी उस केव की सारी जंजीरें और पत्थर गोल्ड डाइटी पर अटैक कर देते हैं। इन सब से गोल्ड डाइटी काफी जख्मी हो जाता है और ली चेन वहां से चला जाता है। ली चेन कई सालों से उस केव में बंद था, इस कारण उसे बाहर के वर्ल्ड के बारे में नॉलेज नहीं होता। दरअसल ली चेन जब छोटा था तब से उसके फादर ने उसे केव में बंद रखा था, इस कारण उसे किसी भी चीज के बारे में पता नहीं होता। अब ग्रैंडफादर उस केव में आते हैं जहाँ कोई भी नहीं था। ग्रैंडफादर उस केव को देखकर समझ जाता है कि ली चेन यहाँ से जा चुका है। आगे हम इस ड्रामा के दो और कैरेक्टर को देखते हैं जो गोल्ड आईटी के साथी होते हैं। इनमें से एक जेंग्यू की सेक्ट लीडर होती है, जो आगे चलकर गोल्ड आईटी की फ्योन्सी बनने वाली है, और दूसरा पर्सन जिसका नाम ची होता है, ये गोल्ड आईटी के साथ फेंगमो माउंटेन पर गया होता है। जेंग्यू सेक्ट लीडर ची से जिन शियान के बारे में पूछती है। वेल, ये गोल्ड आईटी का नाम होता है। ची बताता है कि मैं और जिन शियान फेंगमो माउंटेन पर गए थे, पर हम दोनों में से कोई एक ही उस सील को तोड़कर अंदर जा सकता था, इस कारण मुझे वहां से वापस आना पड़ा। जेंग्यू सेक्ट लीडर पूछती है कि थाउजेंड डस्ट पवेलियन के इमोर्टल जी देन को सेक्ट से गए कितना टाइम हुआ है। इस पर ची कहता है कि उन्हें 13 डेज हो चुके हैं। अब जेंग्यू सेक्ट लीडर कहती है कि हमें थाउजेंड डस्ट पवेलियन जाकर जिन शियान को बचाने का कहना होगा। आगे जायोयो माउंटेन पर सील टूटने का कारण पता लगा रही होती है, तभी उसे जिन शियान मिलता है जो अभी बेहोश था। लू जायो उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। दरअसल जायो ने फेंगमो माउंटेन पर पहले कभी भी किसी आउटसाइडर को नहीं देखा था, इस कारण वो उसे बचाना चाहती थी। अगले दिन जायोयो जिन शियान को खाना देने आती है। जिन शियान पूछता है कि तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी एडवांस कैसे है और तुम इस माउंटेन पर क्या कर रही हो? इस पर जायोयो कहती है कि तुम मुझे माउंटेन पर बेहोश मिले थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। मैं हमेशा से यहाँ अकेले रही हूँ, क्या तुम मेरे साथ यहाँ पर रुक सकते हो? इस पर जिन शियान मना करता है और कहता है कि मुझे अभी कई काम करने हैं, इस कारण मैं यहाँ पर नहीं रुक सकता। अब हम ली चेन को देखते हैं जो एक पपी को लेकर बैठा होता है।
तभी दो लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि शायद तुम यहाँ पर नए हो और यहाँ के रूल तुम्हें पता नहीं है। वो लोग जब ली चैन के फेस पर निशान देखते हैं तो उसे मारने लगते हैं। ली चैन उनके पास से थोड़ा सा खाना लेकर उस पपी को देने लगता है, जिस पर वो लोग और ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं और ली चैन को बहुत मारते हैं। उन लोगों के जाने के बाद ली चैन वो खाना उस पपी को खिलाने लगता है जो उसने उन लोगों के पास से लिया था। वेल, यहाँ हमें पता चलता है कि ली चैन एक डीमन ज़रूर है, पर वो किसी को भी हार्म नहीं पहुँचाता है। इधर जाओ यो जिन शियान का इलाज करने लगती है। जिन शियान पूछता है कि क्या तुमने कभी इस माउंटेन के बाहर की दुनिया देखी है। जाओयो कहती है कि मैं कभी भी इस माउंटेन से बाहर नहीं गई, इस कारण मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी पता नहीं है। इस पर जिन शियान अपने मैजिक से जाओयो को बाहर का वर्ल्ड दिखाता है। कुछ टाइम बाद जिन शियान का मैजिक कमज़ोर होने लगता है, इसलिए जाओयो उसे आराम करने का कहती है। अब हम थाउजेंड डस्ट पवेलियन का सीन देखते हैं। यहाँ हम एक और कैरेक्टर मास्टर चिन को देखते हैं। ये थाउजेंड डस्ट पवेलियन के लीडर का सीनियर डिसिपल होता है। चिन के पास एक स्टूडेंट आकर कहता है कि जेंग्यू सेक लीडर और ची मास्टर से मिलने आए हैं, लेकिन वो अभी यहाँ पर नहीं है। इस पर चिन उनसे मिलने जाता है। यहाँ ची के साथ एक और कैरेक्टर जिन शिव भी आया होता है। गाइज, मैं सारे कैरेक्टर को एक एक करके इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। अब चिन जेंग्यू सेक लीडर के पास आता है। जेंग्यू सेक लीडर चिन से कहती है कि जिन शियान फेंगमो माउंटेन पर बंद हो चुके हैं, आपका मैजिक सबसे पावरफुल है, इसलिए आप ही उन्हें बचा सकते हैं। चिन उनकी हेल्प करने के लिए मान जाता है, लेकिन जिन शिव उनकी हेल्प करने से मना करता है। गाइस, जिन शिव को अपना फेस बहुत पसंद है, उसे लगता है कि दुनिया में सबसे प्रीटी फेस उसका ही है, इस कारण वो दूसरों की रिस्पेक्ट कम ही करता है। आगे जाओ यो जिन शियान को खाना देने आती है। जिन शियान उससे कहता है कि मैं अब पूरी तरह रिकवर हो चुका हूँ, इस कारण मुझे अब यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर जाओ यो उदास हो जाती है। वो जिन शियान के साथ उस लोकेशन पर आती है जहाँ से माउंटेन से बाहर जाया जा सकता था। इसी के साथ एपिसोड एक का एक्सप्लेनेशन यहीं कंप्लीट होता है। इसके सेकंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि मैं इससे पहले दाउलुओ कॉन्टिनेंट को कंप्लीट करूंगा। दरअसल जब मैंने दाउलुओ कॉन्टिनेंट को स्टार्ट किया था, उसी टाइम ये एपिसोड मैंने रेडी कर दिया था, लेकिन इसके अंदर कुछ एडिटिंग बाकी थी, इसलिए मैं अब इसको अपलोड कर रहा हूँ। शिये शिये शोकान।